लेकिन इसे ना देखो काटना पड़ा हुआ था क्योंकि इस तरफ से खुल नहीं रहा था ये। ये लुका रहा है बाइक का, तो मुझे कमेंट में बता सकते हो आप क्या। सो हेलो डॉग्स पीपल, इससे बॉय विनय, वेलकम टू चैनल बेबी। तुम्हारे बच्चों के करना था व्लॉग में। तो भाई आज का क्या व्लॉग होने वाला है, आज के व्लॉग में मैंने मंगा रखी हाइड्रोलिक ब्रेक है, ठीक है। तो मैंने फिट करने वाला हूँ, उसके बाद तुम्हारे भाई की बाइक और सेक्सी बनने वाली है। और पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि मॉडिफिकेशन करी थी तुम्हारे भाई ने, ग्रीन कुछ बना दिया तुम्हारे भाई ने। और अभी देखो तुम्हारे भाई के पास पार्सल आया, जस्ट अभी पार्सल आया, ये देख सकते तुम। और ये क्या लिखा है मुझे पढ़ना तो आता नहीं है, तो पढ़ लो भाई तुम ही लोग, ठीक है। ब्रैम्बो मुझे पढ़ना नहीं आता, ठीक है। और ये क्या लिखा भाई, भाई मुझे कुछ पढ़ना नहीं, जैसे मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। और ये कुछ ये है बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले तो मैं देखना मिलेगा एक कार्ड। ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, ये लिखा हुआ है आर यू रेडी फॉर दी ओरिजिनल पार्ट्स, यस, तभी तो मंगा रखा है यार, ठीक है। तो ये देखो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इसकी मार्किंग भी हो रखी है। और ये कुछ स्क्रैच करने के लिए मिल रखा है मुझे, तो स्क्रैच करते हैं भाई। 2-3 हज़ार रुपये मिलेंगे यार जी, क्या है आई डोंट नो इसको क्या करना है। ये कुछ मिला है मुझे जेड जेड का, कुछ नहीं, इसको देखते हैं क्या करना पड़ता है। और ये इनका स्टिकर है, ये आई डोंट नो। तो कुछ ये मैंने सिंगल साइड का मंगाया ब्रेकिंग वाला, ठीक है। और ये हाइड्रोलिक ब्रेक है, तुम देख सकते हो। तो ये देखो कुछ इसमें ये रहता है, हाइड्रोलिक ब्रेक कुछ इस टाइप से रहती है। और इसमें देखो मार्किंग हो रखी है। और ये ओरिजिनल पार्ट है, ये तुम मैं बता दूँ, जो इसका डबल सेट था, डबल चार मतलब पूरा टोटल पड़ा था 6400 कुछ का। मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा जिस वेबसाइट से मैंने मंगाया, उसका लिंक भी दे दूंगा, उनका नंबर भी मैं दे दूंगा नीचे। और ये सिंगल पीस वाला, ये मतलब सिंगल ऑयल कंटेनर वाला, सिंगल देखो इसमें सिर्फ सिंगल ऑयल कंटेनर रहता है, लेकिन ये जो ऑयल कंटेनर है ये उनके मुकाबले बहुत बड़ा रहता है। देखो मेरे हाथ के मुकाबले कितना आ रहा है ये, ठीक है। जो वो दो दो रहते हैं उनसे मुझे बेटर लगा है कि सिंगल ही लगाऊंगा, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। और इसमें दूसरे साइड का भी आ रहा है मुझे क्लच भी, ठीक है। और क्या क्या है, और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, बस ये कर्स मुझे पता है इससे, मतलब ये ऊपर नीचे होता है, मूव भी होता है इसी के कारण, मतलब ऊपर ही छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और ये अप डाउन भी हो जाता है, ठीक है। तो इसे अभी रख देते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है मुझे। सब कुछ पहले तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, इसे फिट भी करेंगे मस्त वाला। तो इधर कुछ मिली है, तो ये क्या है, तो ये कुछ पाइप मिली है, और ये शायद ऑयल कंटेनर बॉक्स के साथ कहीं अटैच होगी, ठीक है। और कुछ है इधर पार्ट्स, इधर इसके स्क्रू स्क्रू टाइप के कुछ है, तो मैं टेपिंग दिखाता हूँ। तो देखो टेपिंग का क्या सीन है, ये टेपिंग देखो उखड़ रही है, और देखो साइड से तुम देख सकते हो यार, ये ना पूरी ना, ये देखो कैसी हो चुकी है, ये देखो कट्स लग, उसने वो काटा ना जिस कारण देखो ये ऐसा हो गया है, लेमिनेशन डबल डबल करी थी ना, तो उससे ये हो चुका है। और ये बहुत गंदा लग रहा है कसम से गाइस। और कल मैं इसे वापस लेके जाने वाला हूँ उसके पास, उसने बोला भाई नहीं चला लेना, मैं इसे वापस से ठीक करूँगा। मैंने बोला तो क्योंकि यार ये ऐसे सही नहीं लगता, इतना पैसा मरवा के अगर ऐसा कुछ काम करोगे ना फिर सही नहीं लगता, तो मैं इसे वापस लेने वाला हूँ। और आज तो नहीं इसे, क्योंकि आज तो छुट्टी है, तो कल लेके जाएंगे इसे वापस और फिर से सही करवाएंगे। तो अभी जाने वाले हम, और मैं तभी वॉश भी इसी चक्कर में नहीं करवा रहा अपनी बाइक की, ये दिख ये उखड़ ना जाए बोल के, और ये फिर भी उखड़ रहा है, फिर ये सही नहीं लगता यार। तो अभी निकलने वाले हैं हम मकैनिक के पास। वो बेबी पहुंच चुके भैया की शॉप पे, और ये हाइड्रोलिक ब्रेक लगाने वाले हैं। जो ये वाली ब्रेक डलेगी ना, देखो ये वाली पूरी हम ऑयल कंटेनर वाली हाइड्रोलिक ब्रेक डलवाने वाले इसमें, और इसको चेंज करने वाले क्योंकि ये बढ़िया लग रहा, तो उसको डलवाते हैं अभी। और देखो इसको यहाँ से पूरा खोल दिया है, और मेरे पर इसे इतना ढूंढ रहा था भाई, मुझे कोई ना फिट करने वाला नहीं मिल रहा था, सब बोलते बहुत टाइम है, लेकिन यहाँ पर फटाफट से हो गया, इसलिए मैं आ गया इधर। और अभी इसको खोलते हैं, पूरा खुल चुका है और ये फिट होने वाला है इधर, क्योंकि इससे लुकिंग भी अच्छी आने वाली है। इसका लुक देखो, स्क्रैच हो गई थी जब गाड़ी का क्रैश हुआ था, तो क्या सीन हुआ था, देखो पूरा स्क्रैच लग रखा है, तो अच्छा भी लग नहीं रहा है। और इससे लुकिंग भी तुम्हारे भाई की बाइक की सेक्सी हो जाएगी, और थोड़ा हैंडल भी सीधा कराने वाला हूँ मैं, उसके बाद निकलने वाला है यहाँ से, ठीक है। फिर देखते हैं कैसा लुकिंग आने वाला है। और भाई जो ऑयल का बॉक्स है ना बहुत बड़ा है, क्योंकि मैक्सिमम क्या रहता है, दो कंटेनर रहते हैं, वो छोटे छोटे रहते हैं, तुम्हारे भाई ने बड़ा वाला मंगाया एक ही ऑयल का बॉक्स, उसे फिट करने वाले हैं यहाँ पर, फिर देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। और ये कुछ इस टाइप से लगने वाला है इधर, और इसमें कंट्रोल का सारा है कि आगे पीछे सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अपना ऑयल कंटेनर का बॉक्स भी लग चुका है, और हाइड्रोलिक ब्रेक भी डल चुके हैं। अभी थोड़ी इसकी पाइप में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वह पहले थोड़ा ना छोटी पड़ रही है, तो इसे ऊपर कर रहे हैं थोड़ा,
ताकि हैंडल को थोड़ा प्रॉब्लम ना हो घुमाते हुए। और ये देखो ऑयल कंटेनर का बॉक्स लग गया, बहुत प्यारा सा लग गया इसमें। हाँ इसमें ये डल रहा है और देख रहे हो रेड कैसा लग रहा है वो। और इससे इसको भर देंगे। इसमें डल चुका है उसको फिर वापस लॉक कर लें। और देखो कैसे रेड दिख रहा है, ये पूरा कंटेनर ही कुछ अलग टाइप का लग रहा है। और इससे भाई ना लुक आ जाती है बाइक में। और इसको भी फिटिंग करेंगे, अभी फिटिंग नहीं कर रखा, ये इधर से वो निकाल रखा है क्योंकि बहुत मोटा पड़ रहा था, इसको नीचे से डालना पड़ेगा हमको। तो उसका देखो ये वाला पार्ट हमने पूरा निकाल दिया है क्योंकि इसमें देखो ना क्या स्क्रैच लग चुका है, ये साइड का लग चुका है। और देखो ये कुछ ऐसा लग रखा है, इसको ना सीन हो रहा है, क्या बोलते हैं, ऊपर से जा रहा है क्योंकि इसमें एक नीचे सुराख है ना लोहे का, इसमें लोहे में वो रखा है वो सुराख, और ये नीचे मूव ही नहीं हो रहा है। इससे अगर ये मूव होएगा तो हमें एक मतलब यहाँ पर सुराख करना पड़ेगा। और ये कुछ इस टाइप से लगने वाला है, इसे थोड़ा मैं उठाऊंगा क्योंकि इसका लेवल थोड़ा टेढ़ा जा रहा है। और अभी उस वाली साइड का खोल दिया, उस वाली साइड भी लगाने वाला है दोनों। इसमें मतलब इसमें सिर्फ सिंगल कंटेनर लगा रहा हूँ मैं इस तरह को, और उधर मैं कंटेनर नहीं लगाने का, उधर बस सिंपल लगेगी। ठीक है, कुछ कंटेनर इस टाइप से लग रहा है और आगे से ये लुक आ रहा है कंटेनर का, बस इसे भी थोड़ा सीधा करने वाला है। लेकिन गाइस थोड़ा बताओ मुझे, इसके कारण थोड़ा लुक मर रहा है तो मुझे बताओ कमेंट में, इसे मैं सही कर दूंगा। इसे क्या करेंगे, थोड़ा लोहे में छेद करके इसे बाद में नीचे कर देंगे, अगर तुम्हें लुक अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे कमेंट में बता देना क्या सीन है। अगर जा नहीं रहा था तो हमने इसको ना काट के करा है और इसमें नई ग्रिप डलाने वाले, इसको भी लगा दिया इधर का, और उधर का तो लग ही चुका है। लेकिन इसे ना देखो काटना पड़ा वाला क्योंकि इस तरफ से खुल नहीं रहा था ये, और कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग हो गया है, बट उतना भी नहीं है, सेम ही है थोड़ा बहुत है, बट कोई नहीं, इस वाली ग्रिप को लगाएंगे। अभी वहाँ पे स्क्रू कट टाइट कर रहा है, फिर इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा बढ़िया। इस टाइप से लुक आ रही है भाई, अब बताओ मुझे कैसे कमेंट में। और भैया चेक कर रहे हैं अभी क्या सीन है, मतलब ठीक ठाक है कि नहीं। थोड़ा टाइम लग गया भाई बहुत, मतलब तो देखो कुछ ऑयल का बॉक्स ऐसा रहने वाला है भाई, जो जहर लुक आ रहा है ना भाई, कुछ बॉक्स ही अलग ही लग रहा है। अभी साइड मिरर भी लगने वाला है, तो भैया एक राइड मार के आ रहे थे, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। क्या लगती है भाई अपनी एम टी, क्या भाई काम डन हो चुका है, बस इसका हैंडल सीधा कर रहे हैं अभी हम। इसका थोड़ा हैंडल बैंड हो रखा था जब एक क्रैश हुई थी, तो थोड़ा हैंडल सीधा कर रहे हैं और तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। देखो ये भी लग चुका है अपने, सब कुछ ये भी लगा दिया, देखो ये देखो पूरा सब लग चुका है, और ये वाला भी लग चुका है। और बताओ मुझे कैसी लुक आ रही है भाई, अलग ही चीज़ लग रहा है ये। तो बस इसका थोड़ा हैंडल सीधा कर लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, और भाई टाइम बहुत हो चुका है थोड़ा सा ना। हैंड कितने हो गए भैया जी, ₹520 शुक्रिया आपका। तो भैया ने यहाँ पर थोड़ा डिस्काउंट कर लिया, 520 रुपये लगा है, तो ये 500 और ये 20 रुपीज़ तुम्हारे भाई के पूरे। ठीक है, तो भाई से कर लिया मैंने पूरा, लो भैया जी 520 रुपये। ठीक है सुनो तो, हाँ जी यार, नहीं नहीं कोई नहीं, बता दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा ढालूंगा मैं, बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे मतलब, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो फिर नॉर्मल ढालना, मेरे को तो ढालना ही पड़ता है मैं। मैं तो मेरे को सेंड कर दिया। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, नंबर बता दो अपना। और मुझे लग रहा है कि भाई इसका तेल ही खत्म होने वाला है, तो इधर बंद कर लेते हैं और फिर सूते हैं भाई का अपना। ओवरऑल देखो कुछ कंटेनर इस टाइप से लगा यहाँ पर ऊपर, और देखो ये अपने हाइड्रोलिक ब्रेकें लग गई है, और क्लच भी लगा दिया तुम्हारे भाई ने, और ब्रेक भी, तो ये कुछ ऐसी लग रही है, मुझे कमेंट में बताओ। और इसका सिस्टम बताओ ये सही लग रहा है ऊपर, नहीं तो तुम्हारा भाई से नीचे से कर देगा कुछ, करेगा इसके भी जुगाड़, अगर कमेंट में बता देना मुझे अगर कुछ गंदा लग रहा होगा। और तो कुछ ये लुक आ रही है बाइक की ओवरऑल, और बस कल इसमें रिंग लाइट डलने वाली है और साइड मिरर भी डलेंगे, मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो बस कमेंट में बता देना मुझे कैसे लग रही है हाइड्रोलिक ब्रेक अपने। तो ठीक है फिर मिलते हैं अलग अनदर वीडियो में, अनदर टॉपिक से, तब तक की पीस आउट एंड स्टे सेफ, लव यू, बाय बाय, पीस। और इस प्यारे से चेहरे के लिए और एक क्यूट से हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए कर देना एक लाइक।